तो हुकूमत की नाअहली है, चूंकि जो स्टोरी आप बता रहे हैं इसमें तो सरासर हुकूमत का कसूर बनता है। नहीं बिल्कुल मेरे पास है, अभी भी देखे ना 3 दिन से साथ। अच्छा हुआ ये कि इनको इनको कहा गया था कि हम तो लाहौर से निकल जाएंगे, अब वो जब सदारा पहुंचे तो इनकी इनकी छुट्टी गुम हो गई, फिर शेखर चीन साहब भी पहुंचे तो फिर कादरी भी पहुंचे, फिर सादर अली को जेल से भी निकाला गया, उसके साथ 5 लोगों को भी निकाला गया, फिर 300 लोगों को भी छोड़ा गया। हालत तो इनकी क्लियर हो जाती है, मामला खराब होने लगता है। अब मजीद खराब होगा तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हालत यह है कि सादर अली और दूसरी पार्टियों को 3 दिन हो गए इस्लामाबाद में अच्छे से रेस्टोरेंट में ठहराया हुआ है, लेकिन 1 मिनट के भी मुज़ाकरात नहीं हुए, ये मेरी इत्तला है। नहीं तो ये जो शेख रशीद साहब क्लेम कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के 2-3 द्वार हुए हैं और आज रात को भी होने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई मुज़ाकरात हुए ही नहीं है? नहीं मेरी अभी कोई 6 बजे की बात हुई थी उनके एक रुकन से, कहते हैं कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हुए किसी किस्म। और शेख रशीद साहब तो देखे ना, उन्होंने झूठ बोल रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को बदलने का मुतालबा था, वो पूरा नहीं करते। गवर्नमेंट मजदूरी कार्ड इस्तेमाल कर रही है लोगों को बढ़ाने के लिए, अपनी नाली छुपाने के लिए, उनका मुतालबा ही नहीं है इस वक्त फ्रांस के सफीर को बदलने का। तो और ये सब शेख रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी आड़ में और मजहब की आड़ में कुछ और किया जा रहा है, क्योंकि इनका एहतजाज भी उस वक्त शुरू हुआ जब FATF का इजलास हो रहा था और भारतीय फंडिंग का भी इल्जाम लग रहा है TLP पे। देखिए वो तो फिर अपना बाबर साहब जो है वो इमरान खान की पार्टी में भी लगाते हैं, इल्जाम की बात नहीं। वजीर दाखिला को सोच समझ कर गुफ्तगु करनी चाहिए, वजीरे दाखिला जो है वो अखबार का रिपोर्टर नहीं है कि आड़ में जो हो रहा है, जब आड़ में जो हो रहा है बताए। इंपॉर्टेंट तरीन जिम्मेदार तरीन वजीर है पाकिस्तान का, यार खुदा का खौफ करो। तो और ये सब अब क्या सलूशन है, अब मुजाकरात कार के तौर पर अगर आपको भेजा जाए तो कोई हल निकल सकता है? नहीं मैंने एक ही शर्त अभी भी दोस्तों को मैंने कहा, सिर्फ एक है कि मुजाकरात होंगे तो खुफिया नहीं होंगे,